हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 260,000 से अधिक मतदाताओं ने चुना नोटा का विकल्प। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 10 मई को हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 260,000 से अधिक मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करीब 3,84,00,000 मतदाताओं ने भाग लिया था। गौरतलब है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम में नोटा का विकल्प जोड़ा था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला है। जेपी नड्डा ने कहा, कर्नाटक की जनता के जनादेश को बीजेपी विनम्रता से स्वीकार करती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि राज्य की जनता के जनादेश को बीजेपी विनम्रता से स्वीकार करती है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लोगों की भलाई के लिए काम करती रहेगी और सक्रिय रूप से रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उनकी आवाज़ उठाएगी। परिणीति और राघव चड्ढा की हुई सगाई, सीएम केजरीवाल ने शेयर की तस्वीरें। लिखा, भगवान की बनाई आपकी ये खूबसूरत जोड़ी सदा बनी रहे। सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के सगाई समारोह में शामिल होने पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि जिंदगी के इस नए सफर की शुरुआत पर आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप दोनों को हमेशा खुश रखे और भगवान की बनाई आपकी ये खूबसूरत जोड़ी सदा बनी रहे। आपको बता दें कि सांसद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की सगाई हो गई है। चुनाव आयोग ने जारी किए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजे। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजे जारी किए हैं और कांग्रेस ने राज्य में वोट प्रतिशत 42.9% व 135 सीटों के हिसाब से 34 वर्षों में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 66, जेडीएस ने 19 जबकि अन्य ने 4 सीटें जीती है। निवर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बीजेपी की हार की जिम्मेदारी ली। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकानें खुली। आईपीएल 2023 के प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बनी दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2023 के प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। पंजाब किंग्स ने डीसी को 31 रनों से हरा दिया और टूर्नामेंट में यह उसकी 8वीं हार है। बता दें कि डीसी के आखिरी दोनों मैच जीतने पर उसके 12 अंक हो गए और वह अंक तालिका में चौथे स्थान पर नहीं पहुँच पाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद सीएम बोम्मई ने दिया इस्तीफा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले बोम्मई ने कहा था कि हार की जिम्मेदारी लेता हूं। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस 135 सीटें जीत चुकी है जबकि बीजेपी को 65 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, वे कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे लेकिन सच यह है कि दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने पर कहा कि बीजेपी वाले कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे लेकिन सच्चाई ये है कि दक्षिण भारत बीजेपी मुक्त हो गया। उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश से बीजेपी का अहंकार चकनाचूर हो गया। कर्नाटक में कांग्रेस 135 सीटें जीत चुकी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।